गोपालगंज पुलिस ने एक लड़की के हत्या का खुलासा कर दो अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की अर्चना कुमारी की हत्या की गई थी और नीतीश यादव को घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। इस मामले में बिहार पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए हत्या की घटना खुलासा करते हुए इस घटना में संलिप्त दो अपराधी विपिन कुमार यादव और आदर्श यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक चाकू को भी बरामद किया गया है। दिनांक 13/5/2024 को विजयपुर के बिलरुआ गांव में सूचना मिली कि एक लड़की मृत पड़ी हुई है और एक लड़का अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस वहां पे गई एवं घायल अवस्था में पड़े लड़के को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। वहां से उनको गोरखपुर रेफर किया गया। इस घटना की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के निर्देश पर एक SIT टीम गठित की गई थी, जिसके सदस्य पुअनी संतोष कुमार, SHO विजयपुर मनीष कुमार एवं भोरे थाना प्रभारी अनिल कुमार एवं अन्य दल DIU शामिल थे। इसमें DIU एवं FSL की टीम का भी सहयोग लिया गया। मामले का उद्भेदन के लिए हम लोग तुरंत एक्टिव हो गए। उस घायल लड़के का बयान लिया गया और उसके आधार पर दो लड़के को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। उनका स्वीकारोक्ति बयान है, जिसका हम लोग वीडियो फुटेज एवं लिखित तैयार किए हैं।